अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे अपनी एक बहुत बड़ी गलत फहमी के ताल्लुक से। हमारे दरमियान एक गलत फहमी ये पाई जाती है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं मुसल्ले पर, और नमाज पढ़ने के बाद हम मुसल्ले को लपेट देते हैं और आम तौर से कोने की तरफ से लपेटते हैं, और उस लपेटने की वजह हम ये बताते हैं कि हम इस वजह से लपेट रहे हैं ताकि शैतान नमाज ना पढ़ ले। देखिए, ये गलत फहमी है। शैतान नमाज नहीं पढ़ता है। शैतान तो मरदूद है, वो कैसे इबादत कर सकता है, कैसे नमाज पढ़ सकता है? उसने अल्लाह की नाफरमानी की है, वो अल्लाह का नाफरमान है। मुसल्ले को लपेटने की वजह जो है वो ये होती है कि हमने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद जो मुसल्ला है, जा नमाज है, वो अब बिछा ना रहे। अब जब हम नमाज से फारिग हो चुके हैं, मुसल्ला बिछाया था नमाज के लिए, अब नमाज पूरी हो गई तो हमने मुसल्ले को लपेट दिया या उसको तय कर दिया। तो तय करने की वजह यह नहीं होती है कि उस पर शैतान नमाज पढ़ेगा, बल्कि यह होती है कि नमाज से फारिग हो गए, चलिए मुसल्ले को अब हम समेट देते हैं। दूसरी चीज, हम कुरान पढ़ते हैं और कुरान से जब हम फारिग हो जाते हैं या इधर उधर जाते हैं या किसी काम से चले जाते हैं तो कुरान को बंद करते हैं। और हमारे दरमियान ये मशहूर है कि कुरान इस वजह से बंद किया जाता है कि कहीं शैतान ना पढ़ ले। ये भी गलत फहमी है। तो बंद करने की वजह वो अदब की वजह से है, इस वजह से नहीं कि शैतान पढ़ लेगा। ना तो शैतान कुरान पढ़ता है, ना शैतान नमाज पढ़ता है। ये गलत फहमी थी जिसको हमने आपके सामने साफ किया है। अल्लाह अमल की समझ की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।